मालूम है कि आज हमारी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के मुताबिक। मैंने आपको आज जो एक्सप्लेन करना है वो ये है कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की क्लास ऑनलाइन को अटेंड करना है। हमारा जो मेन फोकस होगा 7 दिन में मैनुअल और ऑनलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना। आप लोगों ने सबसे पहले ये करना है कि जब भी क्लास शुरू होगी आप लोगों ने अपना नाम मेंशन करना है और उसके बाद इससे ये पता लग लो क्लास अटेंड कर। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने जब लेक्चर ख़त्म होना है उस तक भी आपने आपके पास रोल नंबर आपने कि हमने किस तरह इसको तकसीम करना है, ये उस सूरत में ही होगा अगर आप लोग जो हैं तमाम 7 डेज की क्लास मुकम्मल करेंगे। जब तक ये 7 दिन की क्लास पूरी नहीं होती उसका तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे सर्टिफिकेट के लिए। हमने बहुत सारे लेक्चर्स जो आपका ये चैनल है लीगल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इसमें बेशुमार जो से पहले क्लासेस हुई हैं उनके मुताबिक तमाम तफसीलात मौजूद हैं। और हमारा मेन फोकस होगा कि आप लोगों को मैनुअल और ऑनलाइन दोनों ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के मुताबिक बताएं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही आपने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया तो आप समझते हैं कि आपने बिजनेस भी रजिस्टर्ड करवा दिया। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस एक अलहदा चीज़ है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट और अलहदा चीज़ है। बिजनेस जब भी आप रजिस्टर्ड करवाएंगे आप प्रोपराइटरशिप फर्म या कंपनी के तहत करवाएंगे और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में आपके कारोबार का एक ब्रांड यानी एक लोगो वो रजिस्टर्ड होता है जिसके की एक वर्थ होती है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका आप कारोबार करते हों तभी आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते। ट्रेडमार्क अगर आपने फ्यूचर में कोई काम करना है तो आप उस कारोबार के हवाले से एक ऐसा साइन, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा अंदाज वर्ड्स का उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं जो आपकी पहचान बन जाता है। जेम्स बॉन्ड की आप मूवी देखते हैं तो उसमें एक पीछे आवाज आती है, एक साउंड आता है। आप मुख्तलिफ ब्रांड्स के मैकडॉनल्ड का एक दूर से उनका एम देख लेते हैं, नाइकी का एक निशान देख लेते हैं तो वो उनका ट्रेडमार्क है। आपको जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई हुई है उनकी या उनका जो बिजनेस स्टार्ट हुआ हुआ है उससे पहले उनका लोगो अट्रैक्ट कर जाता है। आपने पेप्सी का देखा है, आपने मोबाइल्स के देखे हैं, उनके तमाम लोगो जो हैं उनके कलर अट्रैक्ट कर जाते हैं, उनका साइन अट्रैक्ट कर जाता है और इनकी बहुत बड़ी वर्थ होती है। हमने कोशिश ये की है कि आप लोग ट्रेडमार्क के हवाले से जो भी नॉलेज हासिल करेंगे आखिर में हम इसका एक टेस्ट भी रखें। उस टेस्ट का बस सिर्फ मकसद ये होगा कि हमने एसेस करना है और ये टेस्ट होगा, अगर तो कोरोना का ये मामला अगर लिंगर हॉन हुआ तो लाजिम बात है ये ऑनलाइन होगा। उसमें आपको 3 सिलेक्ट करने के लिए पॉइंट दिए जाएंगे और उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना होगा जो राइट है और इसी तरीके से ये 50 मार्क्स का एक पेपर होगा जो आप अटेंड करेंगे और अदरवाइज हालात अल्लाह करे ठीक हो जाए तो वरना ये लेक्चर जो है या एग्ज़ाम जो है आपका, क्योंकि इसको चेक करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता और वो सेम डे IP ऑफिस के पास लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में रखा जाएगा।
हमने इससे पहले इनकम टैक्स और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट खसूसन ADR, उनकी मैंने प्लेलिस्ट में मुख्तलिफ किस्म की कंपनी स्टेशन के हवाले और कोई भी आपको आपको पता है ट्राई कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी होंगी या इंटरनेशनल सेमिनार, और इसका आज की क्लास का आपको यह एडवांटेज होगा कि हमें वो मैकेनिज्म मिल जाएगा, वो तरीक़ेकार मिल जाएगा जिसके तहत आपने आइंदा क्लासेस अटेंड करनी। हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना पर हमारा ये सेशन चलेगा वो है कि कितने दोस्त इन लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं। आप लोगों को आज की क्लास के जो शुरुआत हैं उन, क्योंकि जब ये क्लासेस होंगी तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होना है कि हम लोगों ने कोशिश कर रही है, क्योंकि सारे लोग तो एक बारी में नहीं बुलाए जा सकते सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, तो हम इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर रहे हैं। दूसरा हम करेंगे कि जो प्रोग्राम बन रहे हैं वो यही फ्लोट किया करेंगे। ये वो लोग जो हमारे इस YouTube चैनल में हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ मिलकर मुख्तलिफ किस्म के जो अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें बड़ी आसानी से शिरकत कर सकें। आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट्स कर सकते हैं ताकि उससे अगली वीडियो में आपके जो सवालात हैं उनको आप जवाब दिया जा सके। मैं जो चीज़ बताना चाह रहा था वो ये था कि जो प्रोग्राम आज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के हवाले से हमने रखा है उसमें सबसे ज़रूरी यह है कि हम ये समझें कि ट्रेडमार्क की असल रजिस्ट्रेशन कराने का फ़ायदा क्या है, ये कितने अरसे के लिए है। ट्रेडमार्क, मैंने पहले बताया, एक लोगो है जो किसी कारोबार को किसी ब्रांड को वाजिया करता है, उसकी शिनाख्त देता है, और इसको जब हम रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो 10 साल तक आपका लोगो रजिस्टर्ड होता है। 10 ईयर्स आप उस लोगो को यूज़ करते हैं। 10 साल बाद आप उसको रिन्यू करवा लेते हैं। जब आप लोगो को डिज़ाइन करते हैं तो आप चेक करते हैं कि क्या ये लोगो पहले कोई यूज़ तो नहीं कर रहा। अगर उसमें वर्ड्स आ रहे हैं और वो पहले लोगों को रजिस्टर्ड हुआ हुआ है तो उससे मिलता जुलता रजिस्ट्रेशन, लोग ये कह समझते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है उससे मिलता जुलता मैं कर लूँगा और रजिस्टर्ड करवा लूँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप यूनिक लोगो बनाएं। यूनिक लोगो बनाने का फ़ायदा ये है कि आप ऐसा लोगो रजिस्टर्ड करवा लेंगे जिसको लोग मजबूर होंगे, इसको देखकर हैरान होंगे कि ये एक अच्छी लोगो है। और साथ साथ ये याद रखें कि अगर आपको एक कलर स्पेसिफिक पसंद है और आप समझते हैं कि मेरा लोगो इसी कलर पर बेस करता है तो आप ज़रूर उस कलर को भी रजिस्टर्ड करवा लें, अदरवाइज आप मल्टी कलर में लोगो भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जब भी आप लोगो डिज़ाइन कर लेते हैं, जब आपका लोगो बन जाता है, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास होती है। अगर तो आप मैनुअल रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे तो आपने लोगो को जो है उसके प्रिंट लेंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपको लोगो के प्रिंट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपका कारोबार रजिस्टर्ड नहीं है तब
आपने लोगों की आपने बता देना है कि आपने बिजनेस अभी नहीं करते, बाद में करेंगे, लेकिन लोगों आप उसका भी रजिस्टर करवा सकते हैं। जब आपने एक का चलते हुए कारोबार का रजिस्टर करवाना है लोगों, तो आपने बताना है कि ये कब से आप ये लोगों यूज़ कर रहे हैं, और उसका सबूत आपके पास होना चाहिए, आपके पास उसका एंटीएन है, जो भी आपके पास ऐसी सबूत है जिसके ज़रिए साबित हो सके कि ये 2-3 साल से आपके यूज़ में है, 5 साल से यूज़ में है, तो आप ये मेंशन करेंगे। 3,000 रुपये का पहले पे ऑर्डर होता था, और पे ऑर्डर आप फॉर्म के साथ मैनुअल के साथ लगाते थे। अब क्योंकि ऑनलाइन की सहूलत हासिल है, तो आप 3,000 रुपया जैस कैश अकाउंट से अपने ATM के ज़रिए, अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे कर सकते हैं। हमने अगले लेक्चर में आपको TM-1 वो फॉर्म है जिसके ज़रिए रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क होती है, वो आपको यहाँ दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे, और एक एक खाना उसका डिस्कस करेंगे। मेनली आपके 2 शोभाजात होते हैं जिसमें उन्होंने क्लासेस बताई हैं, उसका भी हमने प्रॉपर एक लेक्चर रखा है जिसमें हम बताते हैं गुड्स एंड सर्विसेज आपने एक्सप्लेन करनी है, इसकी हमारी सर्विसेज किस पे फॉल करता है या किस ट्रेड पे फॉल करता है, वो आप लगा एक्सप्लेन करते हैं। मेन बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन इसके साथ रिक्वायर्ड होती है, के बाद हम इसको नेक्स्ट लेके चलेंगे। तो ब्रेक का मकसद यही है सिर्फ कि 2-4 मिनट के लिए, बाकी जो दोस्त आपके शामिल हो रहे हैं हम उनको भी देख लें, और जो शामिल हो चुके हैं उनको भी देख लें। तो ये ब्रेक है सिर्फ चंद मिनट की, तो शुक्रिया।